तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है उसका आज हम प्रश्न नंबर 18, 19 और 20 को हल करके देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपका जो प्रश्न नंबर 18 जो कि 3 अंक का पूछा जाता है आपसे, और इसके अलावा प्रश्न नंबर 19 जो भी आपका 3 अंक का आता है, और इसके अलावा प्रश्न नंबर 20 जो भी आपका 3 नंबर का आता है, तो इस तरह से आपके टोटल 9 नंबर आज कंप्लीट होने वाले हैं। आपको चाहे कुछ आता हो या नहीं आता हो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी आप लोगों के 9 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल सरल लगे और आप लोग इनको अच्छे से हल करके भी आ सको। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लें, देख लें और याद कर लें। तो देखो, आपका जो प्रश्न नंबर 18 होगा ना, उसमें इस प्रकार से पूछा जाएगा, अधोलिखितक गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तरण संस्कृत भाषा लिखत। चलो, इसमें अगर सही से नहीं दिखा रहा ना तो चलो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। वैसे इसमें 16 में है, मगर आपसे 18 में पूछा जाएगा। क्या होगा? अधोलिखितम गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी कि आपको इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। अब चलो, किस प्रकार से आपको इनको हल करना होता है वो मैं आपको बताऊँ। तो देखो, एक पेसेज दिया गया ये जो कि आपकी किताब में से लिया गया है। अब फिर इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब प्रश्नों के उत्तर कितना सरल होते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ इनको, ठीक है ना। जैसे कि इस वाले पेसेज में से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, कृष्का काव्या चित्रकर्षम कुर्वती स्म। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर यहीं पर मिल जाएगा, कृष्का बलिवर्द्याम चित्रकर्षम कुर्वन्नी स्म। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको क्या करना है, आपको कॉपी लेनी है और यहाँ पर लिखना आपको क्या, जो भी आपका प्रश्न नंबर है, जैसे कि यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, ठीक है ना। इस तरह से आपने अच्छे से लिखा अपनी कॉपी में, और देखो यहाँ पर जैसे का नंबर का है ना, तो का नंबर डाला यहाँ पर अच्छे से। और देखो, जैसे कि ये वाला प्रश्न था आपका, कृष्का काव्य चित्रकर्षम कुर्वना सीत। तो देखो, इसका उत्तर अपन को ये मिल गया। अब देखो, उत्तर कैसे ढूंढोगे आप लोग, प्रश्न को पढ़ लो। प्रश्न को पढ़ने के बाद में उस प्रश्न में जो शब्द आए, जैसे कि ये है ना, तो ऐसे शब्द आपको इस वाली जगह पर ढूंढना। जैसे कृष्का ये मिल गया, काव्य क्या है ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, चित्रकर्षम ये मिल गया, कुर्बानीसिम ये मिल गया, यानी कि आपको इससे ये पता चल गया कि ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसका उत्तर है। तो ऐसे लिख दो, उठा के क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे इसको, यहाँ से आपको लिख देना है कृष्का और उसके बाद में बलिवर्द्याम जो भी है, यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना है बलिवर्द्याम्या, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रकर्षणम और उसके बाद में ये लिख देना आपको कुर्वन्ना सीत, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपको दूसरा हल कर लेना है, तयो बलिवर्दे एक की दृशा सीत। तो देखो, इसी में उसका उत्तर मिल जाएगा, ये वाला, तयो बलिवर्दिया एके शरीर दुर्बल है जब ने ये पूरा का पूरा यहाँ तक का, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये लिख दो। तो इस तरह से आपको एक तो ये वाला हल करके देख लेना है, बिल्कुल आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो एक तो ये वाला हल करके देख लो आप, आधा तो मैंने हल करके बता ही दिया। अब दूसरा यहाँ से देख लो क्या लिखा है, कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम में किंचित। तो देखो, इसके उत्तर कैसे, एकदा सा पिता कतम व्याकुल जाता। तो देखो, यहीं कहीं पर इसका उत्तर मिलेगा, तेन वित्तेन सुपुत्र एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेश दपी को सफलो तन तत्रेव छात्रावास निर्वसन अध्ययन संलग्न समुदा, कदा सा पिता नुज रुग्णमा कर्म व्याकुल जाता पुत्र दृष्ट चा प्रस्ता। तो देखो, यहाँ पर आया ना ये व्याकुल जाता, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख देना है सा पिता तनुज रुग्णमतम कर्मण व्याकुल जाता, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। उसके बाद में अगला, किमर्थ सा व्याम व्यस्य पदादित्य प्रचलितम। तो देखो, यहीं कहीं पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ये लिखा है यहाँ से, व्यायाम विहाय पदादित्य प्रचलितम। तो देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का आपको इसका उत्तर लिख देना, ठीक है ना। तो सरल है बिल्कुल, का भूरी परिश्रम में किंचित तो उपरजितवान, तो इसी प्रकार से आपको लिख देना। जैसे का है तो देखो, भूरी है तो भूरी मिल गया, परिश्रम में है तो परिश्रम में, किंचित तो किंचित, ये तो ये लिखा। तो देखो, यहाँ से लेके आपको क्या करना है, यहाँ तक का लिख देना है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग लिख लो इसको। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 19 जो होगा ना आपका, उसमें इस प्रकार से एक आपको क्या दिया जाएगा, पद्यांश।
पद्यांश में से भी फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक तो ये वाला पद्यांश हल करके देख लेना आप, और एक ये वाला हल करके देख लेना। अब इसके अलावा देखो इसमें भी किस प्रकार के सरल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला पूछा ना के लोकेस्मी चक्षुषमंता प्रकीर्णता, तो देखो विद्वांस एव लोकेस्मी चक्षुषा प्रकीर्णता, तो देखो सरल ही होते हैं ये, बिल्कुल आपको इसको उठाना है, ये वाली लाइन जो प्रश्न पूछा गया इस वाली लाइन को उठाना है और पूरा का पूरा इसका उत्तर लिख देना है। विद्वांस एव कुर्त चक्षुषमंता प्रकीर्णता, तो इसी तरह से आपको इसको लिख देना है। और एक इसको भी हल करके देख लेना है, आप लोग इसको भी हल करके देख लें, बिल्कुल ही सरल चीज़ें होती है ये, आप लोग आसानी से हल कर पाओगे। और एक होता है यहाँ पर आपका है नाटक, नाटक किस प्रकार से दिया जाता है, यहाँ पर प्रश्न लिखा है पादो लिखत नाट्यांश प्रश्नाम उत्तरण संस्कृत भाषा लिखत, यानी कि इस नाटक को पढ़कर आपको संस्कृत भाषा में इनके उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा को आवार्ध छोड़ दिया, तो देखो यहीं कहीं पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर भगवान तो ये राम बोल रहा है, विदूषक ये बोल रहा है, लव ये बोल रहे हैं, तो देखो यहीं से आप लोग देख लें आवा यमलो, इस तरह से आप लोग इसमें से ढूंढ लें और उसके अथवा लेखो भी कर लो। अब देखो मैं कुछ मोस्ट आईएमपी आपको ऐसे बता देता हूं जो कि आपसे प्रश्न नंबर 18 19 और 20 में पूछे जाएंगे। तो देखो एक तो ये वाला देख लो आप लोग, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला ये बिल्कुल आपके पेपर में छपेगा, और इसको आप लोग एक बार हल करके भी देख लो कैसे। वनस्य दृश्यम समीपे का बहती, तो देखो वनस्य दृश्य समीपे एक एव नदी बहती, ठीक है ना, सिंपल होगा बिल्कुल, इस तरह से मिल जाएगा आपको। का सुकेन विश्रमिता, तो देखो ए का सिने सुकेन विश्रमिता मिल गया ना। का सिंहस्य पुष्य दुनाती, तो देखो यहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, देखो ये लिखा है एक बांद्रा अगस्त तस्य पुष्यम दुनाती, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में एक इस वाले को देख लो, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। कश्चन निर्धना जना भूरी परिश्रम किंचित विपुर्जितवान, तो देखो निर्धन जना कतम वित्त उपार्जितवान, तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा कश्चन निर्धन जना भूरी परिश्रम किंचित वित्त उपार्जितवान, यहाँ तक का लिख लो पूरा। उसके बाद में वित्तेनार्जितम स्वपुत्र कुत्र प्रवेशितम दयापलित सपदा जाता तेन वितिज स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशन दयापलित शपथ जाता, इसका उत्तर यह आ जाएगा पूरा, लिख दो यहाँ तक का। और इसके बाद में तत्नया कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूता, तो देखो इसका उत्तर यहीं पर मिल जाएगा, ये वाला तत्नया तत्रेव छात्रवासे निवसम अध्ययने संलग्नम संभूता, तो देखो कितने सरल तरीके से आपको इन सभी के उत्तर मिल जाएंगे। तो इस वाले टॉपिक को आप लोग छोड़कर मत आना बिल्कुल भी, इसको आप लोग अच्छा से आसानी से हल करके आ सकते हो, ठीक है ना। और उसके अलावा एक ये वाला देख लो, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा, कौन सा ये वाला, देखो क्या लिखा है प्रजा सुकेन सुखम राज्ञा प्रजा नाम चा हितम हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तो प्रियम हितम, देखो प्रजा सुकेन सुखम का, तो देखो प्रजा सुकेन सुखम राज्ञा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऐसे मिल जाएंगे आपको। का प्रजा नाम चा हिते हितम, तो देखो प्रजा नाम चा हिते हितम, ये इसका राइट आंसर होगा। नात्मप्रियम हितम का, तो देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा नात्मप्रियम हितम राज्ञा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इसके उत्तर ढूंढ लेने हैं, देखो ये बिल्कुल सरल होते हैं। जैसे कि ये वाला लिखा है गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणा बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बला पिको वसंतस्य गुणम न चा वायसा करी चा सिंहस्य बलम न मुस्का, तो देखो गुणम किम वेत्ति गुणी किम वेत्तिम, तो देखो इसका उत्तर ये मिल जाएगा गुणी गुणम वेत्ति, ठीक है। बलि किम वेत्ति, तो देखो इसका उत्तर ये मिल गया बलि बलम वेत्ति, ठीक है। सिंहस्य बलम किम न जानती, देखो यहाँ पर लिखा है सिंहस्य बलम न मुस्का, तो ठीक है ना, तो यहाँ से आपको लिख देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इसको समझ ले, कुछ और मैं वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक ये वाला है, ये तो बिल्कुल भाई साहब आप लोग ये समझ लो छप चुका है आपका, इससे पता कर लेना कश्चित कृष्का, देखो क्योंकि ये इस वाले पेपर में भी मैंने आपको बताया कश्चित कृष्का वाला, और देखो इसमें जो बताया था ना मैंने आपको इसमें भी था शायद, ये थोड़ा अलग था, मगर आप लोग एक तो इसको देख लें, ये बिल्कुल पक्का है डेफिनेटली इन दोनों में से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इसको भी देख लो आप लोग, इसको भी मैं हल करके बता देता हूँ। कश्चित कृष्का बलिवार्धक्यम क्षेत्रकर्षम कुर्वानिषद, देखो कृष्णा काव्य क्षेत्रकर्षम कुर्वानिषदम, देखो इसका पूरा का पूरा उत्तर यहाँ से आपको ढूंढ देना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसी तरह से तयो बलिवर्धिया एका की रसम जाती, तो देखो इसका उत्तर ये मिल गया तयो बलिवर्धिया एको शरीरम दुर्बलम जीवने, और यहाँ तक का आप लोगों को लिख देना, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग आसानी से इनके उत्तरों को ढूंढ लोगे। मातु सुरभे नेत्राभ्याम कानी अविरासन, तो देखो इसका उत्तर भी यहीं कहीं पर मिल जाएगा, देखो ये लिखा मातु सुरभे नेत्राभ्याम श्रूणी अविरासन,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख लो, बिल्कुल ही सरल होते हैं ये। और एक इस वाले को भी देख लो जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, विचित्र देवगति वाला, ये पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लें और इसमें से इनके उत्तरों को देख लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने आप सभी को ये जो आपका प्रश्न नंबर 18, 19 और 20 जो था ना, वो अच्छे से समझा दिया है। इनको आप लोग एक बार अच्छे से हल करके जरूर देख लें, एक बार में समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को देख लें, फिर जरूर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।